सभापति जी, ऑथर अफर्मेशन नॉमिनेटेड श्री नवजोत सिंह सिद्धू, मैं नवजोत सिंह सिद्धू जो राज्यसभा का मेंबर नामजद किया गया हाँ, ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखांगा और जो कर्तव्य मैं संभालन वाला हाँ उसनू वफादारी नाल निभावांगा। थैंक यू वेरी मच। Papers to be laid on the table, Shrimati Manika Sanjay Gandhi. Your permission, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 1 of today's revised list of business. Shri Tawar Chand Galot. आदरणीय सभापति महोदय, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष वर्णित दत्तावेज को सभापटल पर रखता हूँ। श्री राजीव प्रताप रूडी। Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 3 of today's revised list of business. Dr. Jitendra Singh. Chairman, sir, with your kind permission, I beg to lay on the table of the House papers listed against my name and only in the other House in today's revised list of business. Thank you, Chairman, sir. Now, Sri GM Siddheshwara. Sir, with your permission, I raise the lay on the paper on the table of the House listed against my name, serial number 5, in today's revised list of business. Sri Upendra Kushwaha. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभापटल पर रखता हूँ। श्री कृष्ण पाल। आदरणीय सभापति महोदय, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समक्ष वर्णित दस्तावेजों को सभा के सदन पर रखता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कथेरिया। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभापटल पर रखता हूँ। श्री वाईएस चौधरी के सम्मेलन करो। सर, विद योर परमिशन, आई बेग टू ले ऑन द टेबल द पेपर्स मेंशन्ड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 9 ऑफ टुडेस रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। थैंक यू। श्री कृष्ण पाल। आदरणीय सभापति महोदय, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे सहयोगी श्री विजय सापना जी के नाम के समक्ष वर्णित दस्तावेजों को मैं सभा के सदन पटल पर रखता हूँ। रिपोर्ट ऑफ द ज्वाइंट कमेटी ऑन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट 2015, श्री भूपेंद्र यादव। सर, आई बैक टू ले ऑन द टेबल द रिपोर्ट ऑफ द ज्वाइंट कमेटी ऑन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट 2015। एविडेंस सेंडेड बिफोर द ज्वाइंट कमेटी ऑन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट 2015, श्री भूपेंद्र यादव। सर, आई बैक टू ले ऑन द टेबल ए कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस गिवन बिफोर द ज्वाइंट कमेटी ऑन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट 2015। रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, श्री नारायण लाल पंचारिया। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथासूचित रासायन एवं उर्वरक समिति 2015-16 के 4 प्रतिवेदन सभापटल पर रखता हूँ। रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, श्री नरेश अग्रवाल। सर, विद योर परमिशन, आई ले कॉपी ईच ऑफ 6 रिपोर्ट्स इंडियन इंग्लिश वर्जन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड मेंशन अगेन माय नेम इन टुडे लिस्ट ऑफ बिजनेस। रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, श्री शांताराम नायक। ऑन द टेबल ए कॉपी ईच इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2015-16 लिस्टेड इन माय नेम इन द लिस्ट ऑफ टुडेज बिजनेस। रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, श्रीमती वंशुक साइम। सर, आई बेग टू ले ऑन द टेबल ए कॉपी ऑफ ईच ऑफ 27th, 28, 29 and 30th reports Hindi and English version of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment of 2015-16. Announcement by Chair. I have to inform the members that a letter has been received from Sri MP Virendra Kumar stating that he is unable to attend the sittings of the House during the current session on health grounds. He has therefore requested for grant of leave of absence of the current session of the Rajya Sabha. Does he have the permission of the House for remaining absent from 26th April to 13th May
2016 during the current session of the Rajya Sabha. I hope the House agree. Permission to remain absent is granted. Motion for extension of time for presentation of the report on the Select Committee of the Rajya Sabha on the Enemy Property Amendment and Validation Bill 2016. Sri Bhupendra Yadav. Sir, I beg to move the following motion that the time appointed for presentation of the report of the Select Committee of the Rajya Sabha on the Enemy Property Amendment and Validation Bill 2016 be extended up to the 6th May 2016. Yeah, motion moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Statement by Minister, Dr. Jitendra Singh. To me. Chairman, sir, with your kind permission, I beg to lay on the table of the House a statement regarding status of implementation of recommendations contained in the 255th report on the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on demands for grant 2015-16 of the Department of Space. Thank you, Chairman, sir. Now, zero hour submissions. Now, Sri. Pardon? No, it is zero hour. Zero hour. Zero hour. Dilip Kumar Tirki. Now, please. You all sit down. All resume seat. You also resume seat. What is the problem? Yes. You please. Please resume. You're not a street. If all of you is stand it parliament or some Congress party meeting? If all of you stand up like this, what do I do? What is the problem with them? You please take your seat. I am not going to mention that lady's name. Now please. If all of you stand now. Let me listen to. Now please. Now, Ali Khan, why do you do this without any provocation? Go back to your seat. Now, see, there is no provocation, Muhammad Ali Khan. Go back to your seat. Go back. Now, please, you sit down. Why do you do this? Sit down. What are you doing? What happened to you? Nothing happened here. See, sir. Nothing happened here so that you should be agitated. Sit down. Sir. Yeah. Sir. Yeah. Sir. Now please. Sir. Mr. Minister, please. Sir. कांग्रेस मेंबर्स टेक योर सीट रोकना नियमों नथिंग हैपेंड हियर और निश्चित तौर से जो माननीय सदस्य का अधिकार है उस अधिकार पर हमला है या हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप माननीय सदस्य के अधिकारों के संरक्षण करें उसकी रक्षा करें और उनको जो लोग रोकना चाहते हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि उनकी बात सुने ये तरीका नहीं है कि वो खड़े होते ही आप विरोध करने लगे ये इतना करें दिस इज योर ओवर टाइम आई हैव कॉल्ड दिलीप कुमार तिर्की व्हाई आर यू ऑल सिट डाउन दिस इज योर ओवर टाइम आई कॉल्ड दिलीप कुमार तिर्की सिट डाउन ऑल ऑफ यू व्हाई यू आर अननेसेसरी एजिटेटेड थैंक यू अरमन राव सिट डाउन अरे बाबा सिट डाउन नाउ यू सिट डाउन दिस इज जीरो आवर टाइम आई हैव कॉल्ड मिस्टर दिलीप कुमार तिर्की
All others sit down. All of you sit down. Dilip Kumar Turki. Dilip Kumar. Thank you. Subramanya Swami. Subramanya Swami. Yeah. Are Baba, sit down. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Mr. Subramanya Swami. Subramanya Swami, please listen to me. You are a very honorable member, but I am telling you, this is 0 hour time. Now please, what are you doing? See, you are a very honorable member, but this is 0. Are you, what these people are doing? At least behave, allow me to say something. You see, this is 0 hour time. I have called an honorable member for making his mention 0 hour. You are standing here. What is your problem? Have you given a notice? I have given a notice. On what? Let me. I have given a notice for a report. No. Under what? Is it 0 hour? It is a matter of public importance. No, is it 0 hour? What is the issue? It is a matter of public importance. I'll tell you what the matter is. That is correct. Journalist. Under what rule? Under rule 167. Okay. I understood. Now, yes, I understood. I will deal with it. Please, under rule 167, you have given a... Now, please. I have given notice. Now, please, let me deal with it. They don't know the rules. No, what? You are given under 267 or 167? 167. 167, okay. It is under 167. See, now, please. 167 is the rule for a discussion in the house. If you are given a notice, yes. Now, there is a procedure. That notice will be considered by the Honorable Chairman, and if the Chairman, in his wisdom, finds it necessary, inform the House and inform you also that the discussion is later and when it is later. So wait for that. If you have need further information, you can contact the Honorable Chairman. That is the rule about it. Okay. Now sit down. Now Dilip. Yes. Dilip Kumar Turki. Thank you, Upsapadi Mahodayji. Sit down. You are right. You are given a notice, you raised it, no problem. Mode. What are you doing? Main sadan ka dhyan ek... No, please. Now Dilip Kumar Turki. Thank you, Upsapadi Mahodayji. Main sadan ka dhyan ek behat महत्वपूर्ण विषय को और दिनाना चाहता हूं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में संडे को एथलीट्स के ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट में जैसे लापरवाही देखने को मिली है वह बेहद दुखदायक है। इस इवेंट में ओडिशा के दो एथलीटों अमय कुमार मल्लिक और श्रावणी नंदा ओलंपिक क्वालिफाइंग टाइमिंग 100 मीटर मेन्स 10.16 सेकंड है लेकिन उन्होंने 10.9 सेकंड में कंप्लीट किए हैं 10.09 सेकंड में कंप्लीट किए हैं और श्रावणी नंदा जो ओलंपिक क्वालिफाइंग टाइमिंग है वो है 11.32 सेकंड लेकिन उन्होंने कंप्लीट किए हैं 11.23 सेकंड लेकिन दुख की बात है महोदय कि पावर फेलियर के कारण उसका रिकॉर्ड मैनुअल दर्ज किया गया जबकि इंटरनेशनल स्तर पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड का मान्यता दी जाती है इसलिए नेशनल रिकॉर्ड बनाने के बावजूद इन एथलीट की सारी मेहनत पानी में फिर गया सबसे हैरान की बात तो यह है कि स्टेडियम में पावर बैकअप की सुविधा होने के बावजूद उसका इस्तेमाल किया नहीं गया अब आगे इस इवेंट में भी इन एथलीट को मौका मिलेगा कि नहीं ये श्योर नहीं है मौका मिलने के बाद भी एक गारंटी नहीं है कि ये एथलीट हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे एक एथलीट का प्रदर्शन बहुत सी बातें जैसे हेल्थ वेदर इत्यादि पर निर्भर करता है इसलिए ये जो लैप्स हुआ है वह एक अपराध है हर एथलीट का एक सपना होता है कि वो देश को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करें कितनी अफसोस की बात है कि ये दो एथलीट क्वालिफाई करने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर सके इसमें उनका क्या गलती है इससे पता चलता है कि हम खेलों को लेकर कितने गंभीर हैं महोदय ये घटना ना सिर्फ उन खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे खेल जगत के लिए मनोबल को तोड़ने वाली और हताशा पैदा करने वाली है मैं संसद के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि इस मामले में जांच कराई जाए और इस चूक की
जवाबदेही तय की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए ताकि आगे ऐसी घटना ना हो. थैंक यू सो मच एसोसिएट सर. एसोसिएट ओके ऑल दोस एसोसिएटेड सर. एयू सिंह देव आल्सो एसोसिएट. यस ओके ऑल राइट ऑल द नेम्स शुड बी एडेड. श्री केसी त्यागी. केसी त्यागी मैं राष्ट्रीय महत्व के एक प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं. पिछले तीन दिन से शहीद आजम भगत सिंह का परिवार दिल्ली में घर घर जाकर के भगत सिंह को आतंकवादी ना कहा जाए, जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित पुस्तक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पुस्तक में उल्लेख है. सर, गृह मंत्रालय की सूची से भी अभी तक भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में ही लिखा जाता है और पढ़ा जाता है और उसमें उल्लेख है. इस पुस्तक की 10 लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं. सर, पिछले साल सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल में मुझे लाहौर जाने का अवसर प्राप्त हुआ. लाहौर के शादियान चौक पर भगत सिंह चौक बनाने को लेकर के लाहौर के काफ़ी नौजवान सक्रिय हैं और हमारे देश में ये स्थिति बनी हुई है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ये आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न थे. और इसी के साथ साथ बंगाल के जो मेरे साथी बैठे हैं वो अप्रिशिएट करेंगे और उधर के साथी भी कि चटगामा आर्मरी रेड के बाद ही भारत में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन तेज हुआ था और जिसके नायक सूर्य सेन को फांसी हुई थी और कल्पना दत्ता जो मेरे मित्र की मदर भी थी चांद जोशी की, दिल्ली के मेरे साथी जानते हैं, उनकी माँ को भी काले पानी की लंबी सजा हुई थी. तो सर, मेरा ये निवेदन है कि ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपना सर्वोच्च देश के लिए बलिदान कर दिया उनके बारे में पाठ्यक्रमों इस तरह की चीज़ें लिखा जाना गलत है. और मेरा दूसरा निवेदन यह है जो मैंने पिछले सत्र में भी किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, कि जहाँ से सरदार भगत सिंह ने जहाँ पर बम फेंका है उन स्थानों को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सजा करके रखने का काम भी भारत सरकार को करना चाहिए. इसलिए सर, ये इतिहास है जिसको पढ़ करके नई पीढ़ियां भारत के लिए, देश के लिए और अपने इतिहास पर गर्व करती हैं. तो मेरा मंत्री महोदय से, दो विभागों से जुड़ा हुआ, HRD से भी और गृह मंत्रालय से भी, तो मैं चाहूँगा कि आप मंत्री महोदय को आदेश दें कि गृह मंत्रालय की काली सूची से भी भगत सिंह का नाम निकाला जाएगा, नंबर एक. नंबर दो, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो किताबें 10 लाख बेची गई हैं, पढ़ाई गई हैं, उसमें भी ये संशोधन किया जाएगा. और नंबर तीन, भगत सिंह ने जिस स्थान से उनके साथियों ने ये दिखाने के लिए बम फेंके थे, किसी को मारने के लिए नहीं, उन स्थानों को देश की धार्मिक धरोहर के साथ, ऐतिहासिक धरोहर के साथ संग्रह करने का काम भारत सरकार करेगी. Yes. The NDR House is one with this suggestion. NDR House is agreeing. Sir, you may not the whole house agree. Minister. माननीय त्यागी जी ने बहुत ही गंभीर और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया. शहीद आजम भगत सिंह हम सबके आदर्श हैं और उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए जो कुर्बानी दी है, निश्चित तौर से हर भारतवासी नतमस्तक होकर के उनकी कुर्बानी को, उनके जुनून को, उनके जज्बे को सलाम करता है. जिस मुद्दे को त्यागी जी ने कहा कि कुछ पुस्तकों में उनको आतंकवादी दिखाया गया है या कुछ अन्य जगहों पे, हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं, उसकी निंदा भी करते हैं और उस विभाग के मंत्री और विभाग से हम इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए कहेंगे. नो या या ensure that from such books it is removed and also inquire how it happened. Sir, I will what is the feeling of the house, I will convey to the concerned minister for appropriate and okay action. All right. Okay, now please sit down. Now Sri Chaudhary Manwar Salim. चश्मे सैयद निगरा है कि फिर उठे शायद कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से. क्या बात है, क्या बात. उपाध्यक्ष महोदय,
मैं एक ऐसे इदारे का दर्द लेके खड़ा हुआ हूँ जो हिंदुस्तान की तारीख भी है, हिंदुस्तान की तरबियत का एक बेहतरीन मरकज भी है। मेरी मुराद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। उपाध्यक्ष जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ख्वाब मरहूम सर सैयद ने 1817 में देखा था और जब वो ख्वाब देखा था तो उसको वो पूरा नहीं कर सके। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बिल के जरिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाई और उस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों से 30 लाख रुपए 5 एकड़ जमीन का मतालबा था, जो मुसलमानों ने इकट्ठा करके 500 एकड़ जमीन और 37 लाख रुपया दिया और उस इदारे को शुरू कर दिया गया। उस इदारे ने बहुत सारे नायाब हीरे पैदा किए, कुछ लोगों ने उसे मजहब के आईने में देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिए सरकार से कहना चाहता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो इदारा है जहां अगर ईद के दिन काली शेरवानियों से आरास्ता स्टूडेंट दिखाई देते हैं तो ईद गुलाबी यानी होली के दिन रंग में शराबोर लोग भी दिखाई देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो इदारा है जहाँ पहला ग्रेजुएशन करने वाला जो छात्र था वो राजा महेंद्र सिंह थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वो इदारा है जहां आज भी 50% से ज्यादा मेडिकल कॉलेज में बहुसंख्यक समाज के लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर उसका अकलियती किरदार खत्म करने की कोशिश की जाए तो यह दुर्भाग्यशाली होगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, 1965 में एक दुर्भाग्यशाली घटना हुई थी, उसके बाद अलीगढ़ तहरीक के नाम से एक तहरीक चली जिसमें हिंदुस्तान शामिल हुआ और उस तहरीक के सबसे मजबूत और कद्दावर नेता का नाम मोहम्मद आजम खान था। लंबी जेल काटी, इसके बाद जेपी के जयप्रकाश के नेतृत्व में एक नए सूर्य का उदय हुआ और उस वक्त के बहुत सारे लोग इस सदन में बैठे हैं, आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी जैसे, जिन्होंने घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अकलियती किरदार बहाल करेंगे। लेकिन 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसे बहाल किया, उसमें एक लेकुना था। उस लेकुना पे अलीगढ़ के तहरीक के सारे लोगों को एतराज रहा और वही कारण बना कि उसके अंदर अदालत का हस्तक्षेप हुआ। मैं इस सदन से मांग करता हूं, अगर तुम देश को शिक्षित करना चाहते हो, देश के अपढ़ लोगों को पढ़ाना चाहते हो, अगर उन लोगों को पढ़ाना चाहते हो जिनके लिए जस्टिस सच्चर ने कहा इनकी तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है, तो अलीगढ़ को अदालती विवादों से बाहर निकलकर आप इस फ्लोर पर, संसद के फ्लोर पर एक नई जिंदगी दो और उसके अकलियती किरदार की रक्षा करो, क्योंकि उसका, अलीगढ़ का रोल हिंदुस्तान की जंग आजादी में ऐसा तारीखी रोल रहा है। जब गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी लिबास जलाओ तो अलीगढ़ के स्टूडेंट्स ने पहाड़ बना दिया था अंग्रेजी लिबास का और भारत की आजादी के आंदोलन में साथ दिया था। मैं दलगत सियासत से ऊपर उठ के आप सबसे करबद्ध अपील करता हूँ कि अलीगढ़ के अकलियती किरदार को अदालत की जगह संसद के फ्लोर पर तय किया जाए और ओके या ऑल दोस हु एसोसिएट विल बी ऑर्डर्ड। ऑलराइट, श्री आनंद भास्कर रापलु, आनंद भास्कर, पार्डन, नॉट स्टॉप हिम, सो लेट मी करेक्ट द रिकॉर्ड। व्हाट हैपेंड? ही मेंशन्ड माय नेम। योर नेम? यस। इज मिस्टर, डिड यू मेंशन हिज नेम? हाँ। व्हाट? ओके, all right. Sir, Deputy Chairman, sir, I have no objection to a minority institution being in this country because that's a constitutional... One point. I am mentioning the correction of what he said. He said your name. He said all that. Yes. Okay. So I am mentioning I have no objection to a minority institution, education institution. That's the constitutional right. However, Article 27 and several other articles prohibit the state from financing a minority institution. Yes. Wait a minute, you don't know the constitution. Okay. You know only the Italian constitution. No, please. Why you provoke? They don't know the constitution. That is expense. They don't know the Italian constitution. Expense. Now why do you provoke? Expense. That is expense. Why do you provoke? What did I say? Why do they interrupt me? Why are they interrupting? You finished. Why they are interrupting? Okay. You made your point. ISI.
ISI. They should not interrupt me if they don't want me to comment. You're all ISI. Now, let me clarify. Okay, now you go back. Now you go back. One of you go and say. One of you go and say what you want. I don't know. One of you go and say what you want. No, that is for waving. But you go and say from your seat. You go to your seat. What do you want? One of you say. Okay, you made your point now. One point you, is left. You have already made your left. Point. Let them not interrupt me. No. And they are making all kinds of allegations. I can also make allegations. Go to your seat. There he is. Arre, go to your seat. Shame on him. KGB, go to your seat. What is your problem? No. Go to your seat and speak. You go to your seat and speak. Why do you do like this? No, I tell you, see, shout, coming and shouting to the well in the well is will produce no result. What do you, Mr. Seelam, I will have to name you. You sit down. I am only telling you what you have to say. Go to your seat and say so that I understand. You all shout. I don't know why you are shouting. Now. What is the point? I have only 2 years. You are unnecessarily spoiling the 0 hour. I agree with you. Subramania Swami, you made your point. I got your point. Now you sit down. One more point. Your point is over. I have to clarify. Subramania Swami. I have to clarify. You said what you want. Now yes, you sit down. Yes, I'm saying now. I am making only... What is I'm okay only Indian constitutional points. This is a deliberate attempt to subvert your order. I am not in agreement with this. Withdraw what? Arey wo jo bol chuka. He gave his explanation aloud. Why you are doing? Arey, what is your complaint? I am not understanding. Mr. Ghulam Nabi Azad. Tell me what is the complaint. Problem is this new gift of BJP. Problem is not this side. No. This new gift which has BJP given will not allow the parliament to function. Sir, problem ye nahi hai. Problem ye hai ki aapko Swami ji ki baat to alag baat hai. Unka chehra mujhe lagta hai. What now viewers, please tell me. What is the objectionable thing? I am ready to deal with that. I am requesting all these Congress members. One of you tell me what is the objectionable thing? Tell me, what is that? बात करने से उसकी बात को रखने से रोकना आदेश भी है और नैतिकता के भी I will tell you in the process. What is the objectionable thing? In the process of making a clarification. Dr. Swami needlessly, provocatively, has brought in a reference to a constitution of a European country. I explained it already. He has no business doing this. I explained it. Needless. It's provocative. I explained it already. And this is deliberate. Then and there I explained it. That's what I'm saying. See, go to your seat. Now, please, you sit down. You sit down after having created all the problems. Sit down. No, Mr. Ra, there are Ramesh. Sir, Baba, you sit down. To sit down. There are Ramesh. Ali can sit down. Sir, he should sit down. I will have to name. Sir, he should sit down. No, listen to me. Sir, he should sit down. Ask him to sit down. Sir. You sit down. Sir,
Members, I have a right to give notice for 0 hour. Yeah. Now the 0 hour notices are permission to raise a matter is given by the Honorable Chairman. Yeah. Sir, this is the list. Okay, you say, I got it. Now, sir, that is the right of the Honorable Member to raise the issue who has been allowed. Yeah. Can any other member then, if he has mentioned his name, he has a right to explain. Interfere or seek clarification. That is the point. If a member takes the name of another member of the house on an allegation or otherwise, that member has a right. That is what happened. Why did you do that? That is the point. He has a right. He has a right to explain. No. He has a right to explain because the name was taken. Why did you do that? Sir, we had no objection. Since the honorable member had taken his name, we had no objection to clear that particular point with regard to honorable member had made a mention. But it is totally out of context. What he has done. That I explained, I am telling you. Sir, he is here for the last, it is only his second day in the parliament. In second day, in 2 days, you have expense twice. Yeah. Now there are 365 days. Yeah. How many times you are going to expunge his words? Because he doesn't. This man, though he has aged. But he has not known the difference between the street words and the parliament words. Sir. Because he doesn't allow his hair to grow grey, become the grey, so that he could learn something. Okay. Sir. Zero hour to continue. Ananda Bhaskar Rapalu. Ananda Bhaskar Rapalu. Sit down. Honorable LOP ne jo baat kahi hai, mujhe lagta hai ki wo theek nahi hai. हम कोई मेंबर नियमों के तहत आपने उनको अलाउ किया आपके अलाउ करने पर वो खड़े हुए उसके बाद उनको रोका जा रहा है कितनी बार इस सदन में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नारेबाजी होती है तो ये चीज अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर से ठीक नहीं है जिस स्कूल में आप पढ़ने गए हैं हम लोग हेडमास्टर रहे वहां के सुब्रमण्य स्वामी यू एक्सप्लेन्ड आई अंडरस्टूड Your point is very clear. I understand. You cannot. I understand that sir, Italian constitution is unparliamentary. No, I will make action against you. You can't bring in another thing. Why do you do this? It is
Subramanian Swami is unnecessarily provoking. Nothing will go on record. I will have to take action against you. Don't do that. Why do you mention another country? No. That is what. Subramanian Swami is unnecessarily provoking. Don't do this. What are you doing? You sit down. You sit down now. No. You don't say anything more. You are provoking. Sit down. Subramanian Swami is provoking. Sit down. Nothing that he says will go on record. Nothing is going on record. Whatever he says, I said nothing will go on record. Nothing is going on record. You sit down. It is over. You mentioned that is enough. Subramanian Swami, sit down. Arey, that is not going on record. What do you want? See, what Subramanian Swami says is not going on record because he has already explained his position. Chair has understood the position. Number two, whatever I explain should not be reported by the media. Yeah. Ananda Bhaskar Rapalu, you say. Zero over. Ananda. Sit down. Respected Deputy Chairman. Sit down, sit down. Seek the attention of the House. Minister. Union Government. Minister. And the enlightened citizen of the nation regarding the prevalent transport turmoil in the national capital. The national capital is the place of representative population of the total population of the nation. The national capital's transport turmoil reflects on the image of the country, creating division between haves and have-nots. That type of situation is now prevalent in New Delhi, the national capital of India, which is creating division between wealthy and poor, haves and have-nots. This has created exorbitant huge number of registrations of the vehicles on odd and even numbers in Delhi and surrounding Haryana and Uttar Pradesh. This type of situation is creating inequalities and may also raise the tensions within the society. This situation was experimented in Latin America and China. In Beijing, during the Beijing Olympics, they tried to have the road rationing and the odd even facility of the road rationing in Beijing has been reported to be the failure, and all the international reports about the failure of the road rationing, road spacing, odd even facility has treated to be a failure, and the Delhi government, which is behaving just emperor who is not bothered about the disease and the pathetic condition treating all the people as the wealthy and they have forgotten. Now, Subramanian Swami, I am requesting you to take your seat. Subramanian Swami, what you say is not going on record. You sit down. The poorer and middle class population. Subramanian Swami, what you say is not going on record. Sit down. You sit down, it is not going on record. So it needs to be addressed. Now it is not going on record. You can meet me. Evaluate national level policy. Now you sit down. Guide all the other states. Now you sit down. It is not going on record. Yes. Otherwise, all come other and cities meet me in the chamber. Now sit down. Now Sri Ananda Bhaskar Rapalu. Sir. Ananda Bhaskar Rapalu. Rapalu. This respected Deputy Chairman, in the dim
in this pandemonium. No need. In the situation of the need of I the have cases, already ex- in the expanded of the all the even this house unnecessary beds, so nothing will be reported. Member, media will also not report. Now, yeah. Now, Sanjeev Kumar, श्री संजीव कुमार विस्थापन झारखंड की बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण झारखंड के संथाल आदिवासी एवं मूलवासी तबाह होने के कागार पर है। कई दशकों से औद्योगिकरण, कोयला एवं खनिज खनन, डैम बनाने, पावर प्लांट लगाने इत्यादि के नाम पर झारखंड में हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहण होते आ रहा है एवं रैयतों के जमीन के बदले नौकरी एवं मुआवजा के नाम पर ठगी एवं धोखाधड़ी का शिकार रैयत बनते आ रहे हैं। फर्जी लोगों को नौकरी एवं मुआवजा का फायदा दिया गया है जबकि रैयत ठगे जाते रहे हैं। जमीन अधिग्रहण कानून का बराबर दुरुपयोग होता रहा है जहां जरूरत नहीं या जरूरत से ज्यादा जमीन रैयतों का विभिन्न सरकारी कंपनियों द्वारा जमीन का अधिग्रहण दशकों से किया जाने का खेल कभी नहीं रुका और झारखंड का जल जंगल जमीन तबाह होता रहा। लोग विस्थापित होते रहे। आज आलम है लाखों लाख विस्थापित जो BCCL, CCL, ECL, DCCL, NTPC, MPL, DBC इत्यादि संस्थाओं द्वारा ठगे गए हैं। पूरे झारखंड में आंदोलन जारी है। धनबाद के बलियापुर के सीमा पाथर ग्राम में DBC के खिलाफ विस्थापित हजारों की संख्या में करीब एक महीने से आंदोलन कर रहे हैं जिस संबंध में मैं इस संबंध को अवगत करा चुका हूँ पिछले सत्र में। अब मैं सैकड़ों की संख्या में लोग आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हैं। महोदय, मैं इस सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि सरकार को झारखंड के सभी विस्थापितों की समस्याओं को समझकर उसका शीघ्र समाधान करना चाहिए। अन्यथा दूर नहीं, दिन दूर नहीं कि झारखंड के सभी विस्थापित आंदोलनकारी एक बैनर के तले आकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और उग्र होने के लिए मजबूर होंगे। महोदय, दूसरी बात जो मैं संसद को बताना चाहता हूँ कि हाल ही में राज्य सरकार ने जो स्थानीय नीति का घोषणा किया है वह झारखंड में विस्थापित समस्या को बढ़ावा देगा एवं राज्य के संथाल आदिवासी एवं मूलवासी तबाह के कागार पर होंगे। इनके बच्चों को राज्य में छोटी सी नौकरी के लिए महरूम होना पड़ेगा। ये लोग जो अपने जल जंगल जमीन को जो औद्योगिकरण के कारण के नाम पर तो बर्बाद होते आया है, बिल्कुल तबाह हो जाएगा। सरकार जानबूझकर इस नीति को लागू कर रहे हैं ताकि राजनीतिक फायदा उठा सके। संथाल आदिवासी एवं मूलवासी को नौकरी से एवं उनके अन्य अधिकारों से वंचित कर उन्हें राज्य के से पलायन करने को मजबूर किया जा सके, क्योंकि इन्हीं सब गलत नीतियों के कारण अब तक झारखंड से करीब एक तिहाई हिस्सा दूसरे राज्यों में जा चुके हैं जिनकी हालत दूसरे राज्यों में जानवर से बदतर है। अतः महोदय, मैं संसद से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और इस गलत नीति को लागू होने से रोके। बहुत बहुत धन्यवाद।